इंडियन हैबिटेट सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया गया है। इसमें इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम जितेंद्र पदम जैन एंड हम नाहिद, जो आर्ट एग्जीबिशन हमारी चल रही है इंडिया हैबिटेट सेंटर में, हम इसके क्यूरेटर हैं और हमने हमारी जो गैलरी है गैलरी श्री रियाज में इसको प्रेजेंट किया है, गजाली मोहिद्दीन का एग्जीबिशन। क्या मकसद है इस एग्जीबिशन में? इस जो मेरा मेजरली अब मकसद की बात करेंगे तो मुझे दुनिया को ये दिखाना है कि जनरली आर्ट वर्ल्ड में लोग ब्रश से काम करते हैं, हमारे जो गजाली साहब हैं जो हाथ से काम करते हैं इनका, तो हमें यही बताना है कि अब ब्रश का टाइम चला गया, अब चलो अपने हाथों का कमाल दिखाया जाए और नेचर को, लैंडस्केप को एक अलग ही दुनिया में, अलग ही वर्ल्ड में लेके गए हैं और इसको एक अलग तरीके से दिखाया है इन्होंने। तो वही हमारा दिखाने का मकसद है। हमारे 1 साल का लास्ट एग्जीबिशन है तो हमें लगा कि लास्ट एग्जीबिशन एंड विद द बैंग होना चाहिए, सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड। अच्छा, ये जो एग्जीबिशन लगाया गया, आप कितना अहम मानते हैं उन कलाकारों के लिए जो पेंटिंग के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं? देखिए ये सिर्फ इस एग्जीबिशन के लिए नहीं, मैं तो हर एग्जीबिशन को सोचता हूँ कि सारा एग्जीबिशन इंपॉर्टेंट होता है और जो नए कलाकार हैं, जो यंग युवा कलाकार होते हैं, उनको कुछ नया सीखने को मिलता है हर एग्जीबिशन में। तो यही हमारा मकसद है कि जो नए यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वो आके देखें और देखें कि क्या नया काम किया है, किस अलग स्टाइल से किया है और इतने मोटे मोटे स्ट्रोक्स को उन्होंने हाथों से लगाया है। तो वही मकसद है कि कुछ नयापन लगेगा इसमें एग्जीबिशन में। एक सवाल ये है कि यहाँ पर जो लोग इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं, उनके तरफ से कैसा उनका अनुभव रहा है? क्या फीडबैक मिल रहा बहुत बढ़िया फीडबैक है। जब जैसे कोई भी हमारी गैलरी में एंट्री करता है, सबसे पहले उनको तो हम जो बताते हैं कि ये इन्होंने गजाली ने हाथ से काम किया है, उनको विश्वास ही नहीं होता। वो फिर पास जाके इसको छूने की कोशिश करते तब भी इनको रियलाइज़ नहीं होता कि ये हाथ से काम किया है। मतलब हमारा जो हमें रिस्पांस मिला है, आउट ऑफ द वर्ल्ड रिस्पांस मिला है, बहुत बढ़िया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे शो को। अच्छा, थीम की अगर हम बात करें तो हर प्रदर्शनी में कोई एक थीम होता है जिस पर पेंटिंग लगाई जाती है। इस बार एग्जीबिशन में क्या थीम? गजाली बेसिकली, अगर थीम की बात करें, गजाली का काम नेचर है, लैंडस्केप है और अपनी प्रकृति से इंस्पायर रहते हैं। तो हमें इनको कोई थीम नहीं दिया उन्होंने, हमने फ्री रखा इनको और उन्होंने अपनी अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम किया है, अपने थीम के हिसाब से काम किया है। तो नेचर पे ही काम किया और नेचर पे ही काम ही आगे भी करते रहेंगे। ये जो गजाली की बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पेंटिंग क्या इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता? कैसे पूरा इसमें? गजाली मोहिदीन, हाँ मोहिदीन जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे मित्र भी रहे हैं, जामिया से हम लोगों ने पास आउट किया, एक ही साल में हमने एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में हमने थे। और शुरुआती दिनों में इन्होंने शायद ब्रश से काम किया था क्योंकि जब सीख भी रहे थे इनको सडनली रियलाइज़ हुआ, रियलाइज़ तो कैसे हुआ एक दिन, जैसे इन्होंने मुझे बताया है कि एक बार इस स्टूडियो में बैठे हुए थे, इनकी ब्रश ख़राब हो गए, तो इन्हें लगा मेरे ब्रश ख़राब हो गए और नेक्स्ट डे संडे था तो सारे मार्केट शायद क्लोज थे, तो उन्होंने इन्हें लगा कि मुझे तो आज पेंटिंग कंप्लीट करनी है, तो उन्होंने अपने हाथों से करना शुरू किया और उस रात में कहते हैं करिश्मा और बना। उसके बाद वो दिन और आज का दिन उन्होंने ब्रश को कभी हाथ नहीं लगाया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, तो आई थिंक उसके बाद इन्होंने कभी ब्रश पकड़ी नहीं हाथ में। कितना ये लोगों के बीच पॉपुलर हो चुका है सर? आप अच्छा आप देखिए हमारा मोस्टली सारे न्यूज़पेपर में सब ये बहुत फेमस है, अगर आप गूगल करेंगे कोई जी भी गजाली मोहिद्दीन अट्रीब्यूट टू मदरहुड क्यूरेटेड बाय जितेंद्र पदम जैन, दिल्ली में ही हमारा बैंग ऑफ द शो रहा है और सब लोग यही कहते रहे हैं कि ये शो टॉक ऑफ द टाउन है टूडेज डेट। नाम क्या है? यस मेरा नाम गजाली मोइनुद्दीन है। अच्छा, आप एक आर्टिस्ट के तौर पर एग्जीबिशन सेंटर में हैं, और कैसा आपको लग रहा है और आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से कलाकारों को कितना प्रोत्साहन देने की बात है? नहीं देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले हम अप काम करते हैं और अपने आप सेटिस्फाई होते हैं और फिर जब हम उसको डिस्प्ले करते हैं, उसका एप्रिसिएशन होता है, लोग आकर के उसको अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट ना भी करें लेकिन देखें आकर के, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये वजह होती है कि हम जब कोई अपना एक पूरी कंप्लीट रेंज कर लेते हैं या हमें यह लगता है कि अभी इसको डिस्प्ले करना चाहिए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये अच्छी से अच्छी गैलरीज में और डिस्प्ले हो काम और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के उसको देखें। तो अभी जो आपके तरफ से यहाँ पर आप ये पेंटिंग लगाए गए हैं, तो इसका थीम क्या है सर? देखिए इसका थीम एज सच कुछ नहीं है, ये नेचर है जो आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी है सारी पेंटिंग्स में जैसे आप देख रहे होंगे, और ये जो नेचर है उसको, नेचर को मैंने अपने तरह से उसको प्रिडिक्ट किया है, अपनी तरह से उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने कैनवस पे,
और ये मेरी मदर की याद में, मेरी जो मदर थी उनकी, उनका इंतकाल हो गया था लास्ट ईयर, सो उसकी उनकी याद में मैंने उसका नाम नाहिद रखा है। तो वो थीम ऐसे जो थीम का नाम नहीं, मतलब वो हमारी मदर का नाम है, तो उनकी याद में ये हमने एग्जीबिशन जो है वो नाइस की। अगर कॉस्ट की बात करें सर, तो क्या कुछ प्राइसेस हैं? नहीं देखिए, कॉस्ट एज सच तो मैंने कोई उसका वो कॉस्टिंग रखी नहीं है, कुछ प्राइसेस का कोई वो नहीं है। वो ऑन डिमांड अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, वो कोई चीज़ होती है तो फिर उसने, लेकिन ये कि मुझे, मैंने सिर्फ डिस्प्ले की तरफ है। जो पेंटिंग प्रेमी यहाँ पर आ रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ से कैसा फीडबैक मिल रहा है? उनकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, बहुत सूदिंग को लग रहा है कि कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है, नए तरह का काम, क्योंकि ये काम जो है इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं है। इनफैक्ट मेरी किसी भी पेंटिंग में ब्रश का इस्तेमाल नहीं है, और ये जो ये काम है सिर्फ डायरेक्ट ट्यूब्स और फिंगर्स से। अब क्या लगता है कि आपको जो इस तरह का प्रदर्शनी होता है, ये समय समय पर होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। देखिए अब आप खुद अगर देखें इस चीज़ को, तो एक बहुत ही सुकून वाली चीज़ आपको नज़र आएगी, बहुत ही सूदिंग सी चीज़ नज़र आएगी, बहुत पॉजिटिवनेस इसमें नज़र आएगी। तो जिस तरह का माहौल रहा है, जिस तरह की चीज़ें, जैसे कि अभी कोरोना में आप देख रहे हैं कितनी अफरा तफरी थी, लोग डिप्रेशन में चले गए थे, तो उस चीज़ को रिकवर करती हैं ये चीज़ें, उस चीज़ के लिए बहुत ही, ये समझ लीजिए कि मेडिसिन का काम करती हैं। तो हमारे लिए तो वो है ही चीज़, लेकिन दूसरों के लिए भी, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया है कि लोग जो दूसरे आए उससे भी उसको, उसके ऊपर उससे इंस्पायर हों, या बहरहाल उसको इंजॉय करें कम से कम।